नमस्कार अंकल जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं दिल्ली से आया, मेरा नाम सुरेंद्र रावत है। हाँ। आपका फ़ोन नंबर क्या होगा? मेरा 9636190312। मैं भाई साहब से मिला था तो भाई साहब बता रहे हैं कि आप हमारे प्याजों के काफ़ी पुराने कस्टमर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी। कौन कौन सी गाड़ी चलाई आपने? ज़्यादातर आपा की चलाई हमने। आपे की? आपे थ्री व्हीलर। अभी मिनी है अपने पास। हाँ, मिनी है। और एक टाटा का जिप है। एक जिप। तो ये जिप आप सीमेंटिंग बिजनेस में यूज़ करते हैं इसमें? हाँ जी। तो डेली कितना किलोमीटर चलता होगा? आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर चलता है। 25 से 30 किलोमीटर मान लो डेली। ओके। और आप इसमें हफ्ते में फ्यूल डलवाते हैं या डेली फ्यूल डलवाते हैं? तेल पेट डीजल? डीजल। डीजल तो 2-3 दिन में डलाते, देखते हैं उसमें भाई, इसमें जैसे 300-400 रुपये का डलाते हैं हम, वो खत्म होने के बाद फिर डला देते हैं। तो औसत यदि मान के चले हफ्ते में हम, आप कितने का फ्यूल डलवाते होंगे? 200 रुपये पर डे का मान लो आप। तो 200 रुपये पर डे का तेल, तो यानी कि आपका हो गया 7 दिन में 1400 रुपये का तेल डलता है। पक्का 1400 का? ओके। और दिन भर ये गाड़ी चलती रहती है? दिन भर चलती है। ओके। तो ड्राइवर रखा आपने गाड़ी पे, कितनी सैलरी देते हैं उसको? 300 रुपये लेते हैं पर डे। अच्छा, ड्राइवर का 300 रुपये पर डे है, मतलब जिस दिन आएगा 300 रुपये लेके जाएगा, काम करेगा 300 लेके जाएगा। तो यदि पूरे महीने आता है तो लगभग 9000 रुपये बनते हैं। तो क्या वो पूरे महीने आता है, छुट्टी भी करता है? ये छुट्टी भी करता है ना? छुट्टी भी करता है। 3-4 छुट्टी हो जाती है उसकी? 3-4 छुट्टी होती है। ओके ठीक है। इसका मतलब कि हम मान के चलें तो 3-6 हज़ार और 6-6 24, यही कोई वो लगभग 7400-7500 रुपये लेके जाता है आपसे। ओके। अच्छा, ये टाटा की जिप गाड़ी में रावत भाटा में चलाते हैं, यहाँ का धरातल भी ऊंचा नीचा पहाड़ी इलाका है, तो गाड़ी चलने में कोई दिक्कत, कोल लोड ले जाने में कोई दिक्कत नहीं? गाड़ी अच्छी चलती है, गाड़ी चलती है। ये खाली ड्रावर का ही है बस, जो भी है। हाँ। अगर ड्रावर इसको सही साथ चलावे, गड्ढे वड्ढे बचावे, कहीं घर वगैरह में गाड़ी गिर जाती है, इसमें लोड अपने हिसाब से डाले तो बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, अभी आपा से भी आपकी गाड़ी अच्छी लगी, जीप वाली टाटा की जिप अच्छी लगी? ओके ठीक है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे जैसे कि कुछ 20,000 का आपका खर्चा? हाँ, 20,000 का। वो एक समूह सिंह करके टाटा में है, उसने हमारे को लपेटे में ले लिया था। हाँ। बोले 20,000 जमा करा दो आप, और आपका कुछ नहीं, डीजल लगाना गाड़ी में और जितना भी सब कंपनी का खर्चा है। अच्छा, एक तरह से उसने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह देने की कोशिश करी आपको? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ सर, जब भी गए पैसे लगते रहे हमारे और पैसे ले लिए उसने तो। अच्छा। भाई 5,000 तो मैं नगद ही रहा था वहाँ पे। ठीक है, पिछले साल की बात है ये। हाँ। 2013 की? हाँ, 13 की बात थी, दिसंबर तक का हमारा। अभी जो दिसंबर चल रहा ना, इसमें वारंटी तक था, वारंटी थी उसकी। ठीक है, उसने कोई भी पैसा, एक पैसा भी नहीं कराया उसने। अच्छा, तो जब भी जब झगड़ा किया मैंने लगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो तो टाटा ने किया गलत है। हाँ। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे, आपका तो ए फ्रूट नहीं है, जयपुर से बोलता था एक, ए फ्रूट नहीं है भाई, ऐसा क्यों नहीं है भाई? जबकि पैसा दिया। हाँ, जबकि पैसा दिया मैंने, मेरा ए फ्रूट क्यों नहीं है? तो बोले ए फ्रूट आपका इसलिए नहीं है कि आपके वो ड्राइवर की गलती है, इसलिए वो कहीं गड्ढे में गाड़ी डाल देता है, इस वजह से टूट जाता वो। ओ तेरे। अच्छा, तो खर्चा क्या है आपका ऐसा? तो खर्चा काफी है हमारा। नहीं, नहीं, जो आपको खर्चा उसने कवर नहीं किया। हाँ। जो उसको देना चाहिए था उसने नहीं दिया। हाँ। वो खर्चा किस चीज का खर्चा था? किस चीज का था? जैसे व्हील का जो रोड टूट जाती है ना। हाँ। एक तो ये था। हाँ। एक वो हैंडल उसका कभी मतलब जैसे काम नहीं करता है। हैंडल कौन सा? गियर लगाने वाला? नहीं, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में गड़बड़ थी, 2-4 हज़ार की हमने नगद पैसे लिए उसके भी। ओहो। और जैसे वायरिंग वगैरह जो भी है ये तो है ही नहीं इसमें, तो नहीं है। अच्छा, मतलब किसी का भी पैसा उन्होंने इसमें नहीं कवर नहीं किया। नहीं किया तो आपने स्टीयरिंग का काम करवाया? तो इंजन का इंजन आपका सीज हो जाएगा जब कंपनी करेगी, ये तो गलत बात है। तो इंजन का हम क्या, इंजन को वैसे ही बिगाड़ दें क्या? अच्छा, इसका इंश्योरेंस कितना जाता है सर? हाँ जी, इसका इंश्योरेंस कितना जाता है? और किस्त पे है? नगद है किस्त पे गाड़ी? ये गाड़ी नगद है किस्त है? ये गाड़ी टाटा जिप जो आपके पास है व्हाइट कलर की, तो फ्री करा दी हमने इसके जो पैसे दे दिए। तो पहले क्या फाइनेंस कराया था आपने इसको? हाँ, फाइनेंस। कितनी किस्त आती थी मंथली? 7,000 कुछ रुपए ये मोटा मोटा आती थी। अच्छा, तो जिसे स्टीयरिंग काम कराया उन्होंने कवर नहीं किया, आपने कुछ और भी काम कराया उन्होंने कवर नहीं किया, गाड़ी की क्लच प्लेट वगैरह बदली अब तक? नहीं, नहीं बदली। वो सब पैसे दिए? सब नहीं, नहीं, जो भी क्लच प्लेट कई दफा बदल दी इसकी, पर वो पैसे हमने दिए। तो कितने साल हो गए इस गाड़ी को? तीसरा साल हो गया। तो तीसरा साल अभी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 साल में कितनी बार क्लच प्लेट बदली आपने इसकी? एक बार बदली गई है। गियर का कोई काम हुआ है? गियर बॉक्स का? हाँ, गियर का काम हुआ। क्या हुआ था गियर में? भी कोई अंदर कोई टूट गया था इसमें, जो उसने
जो एक आता है ऐसा गरारी गरारी हाँ वो नहीं डलाई थी। तो इसका जो हाउसिंग होता है जो एल्युमिनियम का जिसके अंदर वो गियर बॉक्स है कवर यानी कि वो भी टूटा था क्या या अंदर खाली अंदर था? अंदर अंदर टूटा था। ओके तो इसका एक दो बिल तो हमारे 20,000 के भी हैं इस गाड़ी के। हाँ तो किस चीज के बिल है वो? बस वो इंजन वो गरेदी का इसका ही था जैसे मान लो गियर वाला है। और अच्छा बिल पड़े आपके पास क्या मुझे दिखा देंगे एक बार क्या? थोड़ा दिखाएंगे तो मैं शायद मैं जरा मैं अभी यहीं पर हूँ यदि आप ढूंढ के मुझे दिखाएं। ढूंढ के दिखाएं आप प्लीज़ मुझे जरूर दिखाइए। मैंने क्या वो लड़के को देता हूँ मैं बिल भी। यदि आप ढूंढ के मुझे दिखाएंगे तो हो सकता है कि मतलब कुछ हो निकल के आए पता चले। निकलना तो मुश्किल है क्या? तो आपकी कोशिश है तो अच्छी बात है।